देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। आज तक वहीं हैं और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने कोर्ट में केस किया और हम ये चाहते हैं, अगर भाईचारे की बात ईमानदारी से की जा रही है तो आप मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर जाते रहेंगे और मैं भाईचारे की बात करता रहूँगा, ये न तो मैं बर्दाश्त करूँगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियों की जाँच कराइए। अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे। क्या कि भाईचारा ये है, इसको निभाइए। अगर ऐसा वो नहीं करते, जो वो करेंगे ही नहीं, तो हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं, जैसे ज्ञान वापी की जांच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम डुक टुक जाँच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। ये चल देखिए, अभी हम इस बात पे नहीं बोलेंगे, खतरे में है ये तो आप भी जानते हैं, अभी नू हुआ है आप सब जानते हैं, हमारे मुंह से क्यों निकलवाने हो भाई, हम तो कथाकार हैं, हमें कथा करण दोगे कि नहीं करण दोगे? अरे भैया, दूध को दूध ना कहूँ तो क्या कहूँ, पानी को पानी ना कहूँ तो क्या कहूँ, दूध है कि नहीं, शिव को क्या मैं महावर, शिव को मैं शिव न कह के पार्वती कह दूँ? ज्ञान वापी शब्द ही सिद्ध करता है कि वो स्थान बाबा भोलेनाथ का है। कुरान में उर्दू में ज्ञान वापी कहीं हो तो हम कह देंगे मत करो चेकिंग, झूठ बोल रखा है यार, जो मन पे आता है वही बोल के चला जाता है। ये सत्य है, ज्ञान वापी हमारा, मथुरा हमारा, और कृष्ण भूमि मथुरा वही कह रहा हूँ मैं, अभी एक और बात कह रहा हूँ, आगरा की वो भी हमारी हैं, तो वो छवि तो हम ले के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। भाईचारे का टाइम अभी भी है, अभी भी जारी है, कोर्ट में जाएं, कह दें कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना है कृष्ण के साथ, चेक कर लिया जाए। और एक बार बात, जो यहाँ मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, उसके साथ खड़े होके सनातनियों की नज़र में उन लोगों को बुरा नहीं बनना चाहिए जो टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं और सनातनियों को गाली देते हैं, धर्मगुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सनातनी हैं, आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण शिव की पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा के वास्ते आपको ये कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना का हम कद्र करते हैं। जिस तरह आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लगातार इसका प्रचार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ही इज माई यंगर ब्रदर, और हम लोग मिलकर सभी संत महात्मा भी यही कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए। युवाओं को जागना जरूरी है, देशवासियों को जागना जरूरी है कि अगर कोई साधु संत कथाकार आपको, आपकी पीढ़ी को बचाना चाहता है तो आप देशवासियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उनका साथ दें, साथ देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी कौन? सियावर रामचंद्र की जय। हम तो वोटर हैं, हमें कहीं भी जहाँ जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इतना बड़ा भाव होना युवाओं में, ये हमारे सनातन की सबसे अच्छी एक पहल है और सबसे अच्छी पहचान है, ये है सनातन को जिंदा रखने का तरीका। पति लोग ध्यान दें, ज्यादा उस आदमी को वो तो भाग गया, फिर ये अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा और चंचुला को बहुत जोर से पीटने लगा। थोड़ी बहुत देर तो चंचुला ने मार सही, और जब वो मारता ही रहा, झट उसको पकड़ लिया। तू मुझ जैसी धर्म परायण पत्नी को छोड़कर उन वैश्याओं के पास में भटकता है, मेरी भी भावना है, मेरी भी फीलिंग है, मेरा भी जीवन है, मैं क्या करूं? आपका मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ईमानदारी से बताओ, कितनी बार आप लोगों ने संगीत चलाई है, मेरे पति ने मुझे जरा धन्य बना दिया। पति कहलाने को
जरूरी है। चंचुला उस पुरुष के साथ में थी, उसी समय बिंदुक आ गया वहां, और जब बिंदुक वहां इंपॉर्टेंट है कि परिवार, आज के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, परिवार को भी समय दे। आजकल यही होता है, हम लोग बाहर आग्रह करती थी ये सब मत करो, ये सब मत करो, ये सब मत करो, पर वो नहीं माना, उसकी अनदेखी के कारण वो भी पराए पुरुष से मिलना शुरू कर दिया।